कांग्रेस विधायक है सुमित्रा देवी और अब उन्होंने भी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और जरा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। कांग्रेस के विधायकों का पार्टी से मुंह मंगवाना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और सरकार में वापसी का जिस तरीके से कांग्रेस के नेता एक अरमान तो जो कर बैठे थे, ये खबरें कांग्रेस के उन नेताओं पर अरमान पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। सुमित्रा देवी काष्टेकर नेपानगर से विधायक है, पहली बार वो विधायक चुनकर आई थी। और अगर बात करें तो मंजू दादू जो बीजेपी की पूर्व विधायक थी उनको इस चुनाव में उन्होंने हराया था। मंजू दादू रायन दादू जो कि बीजेपी के सीनियर नेता थे उनकी बेटी थी और उनके निधन के बाद में बाई इलेक्शन में चुनाव जीत कराई, पर लेकिन 2018 के आम चुनाव में ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस को वापसी के साथ में कुछ मजबूत स्थिति बनी और नेपानगर में भी कांग्रेस को जो है जीत दिलाई गई थी। और ऐसे में जो एक बात है कि सुमित्रा देवी काष्टेकर उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। काफी मुखर नेता वक्ता के तौर पर उनको जाना जाता था और उससे 2018 का जो चुनाव था माफ कीजिएगा लोकसभा का उसमें अरुण यादव यहाँ से प्रत्याशी हुआ करते थे। उनका प्रचार और नेपानगर में जाकर हमने खुद देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रति अपना एक समर्पण का भाव उन्होंने प्रकट किया था। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं आया है। ये कहा जा रहा था कि कुछ नेता जो है वो कांग्रेस के शायद बीजेपी के लोगों के संपर्क में, लिहाजा सुमित्रा देवी काष्टेकर का नाम भी चर्चाओं में था, पर बीजेपी के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसा कि प्रद्युम्न लोधी या किसी और दूसरे किसी नेता की ओर से ये प्रतिक्रिया जब पहले देखने को मिली थी, इस बार सीधे इस्तीफे की पुष्टि जो है विधानसभा सचिवालय की ओर से की गई है। विधानसभा अध्यक्ष से हमने बात करने की कोशिश की, उनसे फिलहाल बात नहीं हो पाई है, पर लेकिन विधानसभा सचिवालय के हवाले से पूरी खबर है जिसमें सुमित्रा देवी काष्टेकर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुधीर, क्या आपने भी कहा कि फिलहाल कारण क्या है ये तो समझ से परे है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के कुछ हमारे संपर्क में है लेकिन खुद एक एक करके उनके ही विधायक उनसे दूर होते जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रद्युम्न लोधी का जाना उसके बाद में अन्य विधायकों के नाम की चर्चा, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा हो सकता है। और जिस तरीके से सुमित्रा देवी काष्टेकर के इस्तीफे की खबर जो है विधानसभा सचिवालय से आई है, विधानसभा के पीआरओ ने इस बात की पुष्टि की है कि सुमित्रा देवी काष्टेकर ने इस्तीफा दिया है, लिहाजा अब बीजेपी के नेताओं से क्या चर्चा हुई, क्या मुख्यमंत्री स्तर पर कोई बातचीत हुई है सुमित्रा देवी काष्टेकर का, या फिर कांग्रेस की ओर से उनका मुंह भंग हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं को जानकारी जो है हमने फोन जब लगाया था तो शायद कई जो सीनियर नेता जो लगातार इस पूरी भूमिका में रहते हैं, अगर कोई भी इस्तीफा दे या बीजेपी में शामिल हो तो जानकारी जिनके पास में हो, तो शीर्ष नेतृत्व के पास भी अगर लोग पुष्टि ना करो और सीधे विधानसभा सचिवालय से इस बात की पुष्टि आए तो कहना होगा कि काफी गुपचुप तरीके से या तो सुमित्रा देवी से बातचीत चल रही थी या सुमित्रा देवी पार्टी के अंदर काफी ज्यादा नाराज थी। लिहाजा सुमित्रा देवी काष्टेकर का इस्तीफा जो है क्या कारण थे ये भी वजह सामने निकल करने आई है। बीजेपी में वो शामिल होंगी ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर लेकिन एक बड़ी खबर जो है विधानसभा सचिवालय की ओर से जिस बात की जानकारी दी गई है कि विधानसभा की सदस्यता से एक और सदस्य नेपानगर की जो सदस्य थी कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी काष्टेकर ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को खबर के बारे में जानकारी दे दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा है, एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और ये जानकारी न ही कांग्रेस की तरफ से आई है, ये जानकारी खुद विधानसभा सचिवालय की तरफ से दी गई है कि उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से ही अपना इस्तीफा दिया है। आपको बता दें नेपानगर से कांग्रेस की विधायक है सुमित्रा देवी, इससे पहले प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा दिया था और फिर उनको बीजेपी में एक अच्छा पद दिया गया, राज्यमंत्री का उनको दर्जा दिया गया और अब कांग्रेस विधायक की तरफ से कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका लगा है, एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए और सीधे रुख करेंगे उज्जैन का।